अश्वरी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम दोबारा से आपके सामने लेके आए हैं विटारा ब्रीजा ZDI प्लस डीजल वर्जन मॉडल है ये, और 2018 का ये वर्ज़न है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि आज हम इसकी दोबारा से वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई अपने फॉलोवर्स के और अपने सब्सक्राइबरों के मैसेज आ रहे थे कि भैया जो आप हेडलाइट में प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में LED और HID और कंपनी जो हेलोजन बल्ब देती है वो किस लिए इंस्टॉल करके देती है। तो इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा कि हमें अपने प्रोजेक्टर में या हाई बीम में कौन सी LED यूज़ करनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जो मैंने यूज़ किया है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दूंगा, अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी ऐसा क्यों नहीं करती और कंपनी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये मैंने खुद ने यूज़ करा है और उसके रिज़ल्ट भी मैंने देखे हैं, तो वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले आप चैनल को वीडियो पूरा होने तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अश्वनी दीक्षित ब्लॉग की आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। अब हम मैं आपको बताता हूँ आग चल के, जैसे कि आप ये हेडलैम्प देख पा रहे हैं, इसका जो ये वाला है ये प्रोजेक्टर है और आप हाई बीम देख पा रहे होंगे, ये लो बीम होता है। आप जिस भी गाड़ी में आप देखेंगे प्रोजेक्टर कभी भी जिसमें हाई और लो अलग अलग होंगे, तो प्रोजेक्टर जो होगा वो लो बीम के लिए होगा और हाई बीम के लिए अलग से रिफ्लेक्टर होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कोई प्रोजेक्टर नहीं होता, ये एक सिंपल रिफ्लेक्टर होता है जिसमें आप LED या कोई और HID हो गई, कंपनी तो एक हेलोजन बल्ब लगा के देती है, वो मैं तीनों बल्ब्स भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके के वो बल्ब्स होते हैं। ये प्रोजेक्टर होता है और ये हाई बीम वाला रिफ्लेक्टर होता है नॉर्मल। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें हमें बल्ब आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये अब आप देख पा रहे होंगे मैंने तीनों बल्ब्स को ले लिया है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये वैसे साइज इस प्रोजेक्टर का नहीं है, लेकिन कंपनी से जो फिटमेंट आती है हेलोजन बल्ब की आती है, ये वो हेलोजन बल्ब होता है जो कंपनी से इसकी फिटमेंट आती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने वॉट का है, थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। तो ये 12 वोल्ट का बल्ब होता है और 55 वाट है जिसकी जो मतलब रोशनी की होती है, मतलब इतने वाट पे ये रोशनी को फेंकेगा तो वो चीज़ होती है। और एक आप देखते होंगे कई जगह पर लिखा होता है 6000 के, 8000 के लिखा होता है बल्ब्स के ऊपर, वो जो के होता है वो केल्विन लिखा होता है। केल्विन इन द सेंस कि जितने केल्विन ज़्यादा होंगे उसकी रोशनी, जैसे कि केल्विन है 4000, तो 4000 पे थोड़ा सा एक ऑफ वाइट कलर आ जाता है, जैसे ही वो 5000 पे जाएगा 5000 केल्विन पे तो उसकी जो रोशनी होगी वो थोड़ी सी और वाइट होती जाएगी, 6000 पे वो और ज़्यादा वाइट हो जाएगा और 8000 पे जाके वो प्योर वाइट नहीं हो सकता, लेकिन उसे कहते हैं कि एक नीला सा आसमानी सा एक कलर होता है, स्काई ब्लू कलर, थोड़ा सा उस तरीके की रोशनी हो जाती है। तो ये केल्विन होते हैं, तो आप उसको देखते होंगे 6000-8000 बल्ब के साथ लिखा होता है, वो जो आप देख पाते होंगे वो अधिकतर HID का, जैसे ये HID का बल्ब है जो अभी मैं आपको HID का जो ये बल्ब दिखा रहा हूँ, ये बल्ब मैं आपको दिखा रहा हूँ 6000 केल्विन का। और इसी के साथ साथ ये है LED जो आजकल मार्केट में काफ़ी देखने को मिल रही है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रांड का नाम आपको दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये LED होती है, इस तरीके की LED होती है जो गाड़ियों में इंस्टॉल होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्टर में हमें अधिकतर क्या इंस्टॉलेशन मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोजेक्टर जो होता है वो एक लेंस होता है, जैसा कि मैं आपको लाइट पर दिखा भी देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये एक लेंस है। अब ये जो लेंस है इसके पीछे से बल्ब को इंस्टॉल किया जाता है, तो कंपनी जो इसमें इंस्टॉलेशन देती है वो हेलोजन बल्ब की देती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था हेलोजन बल्ब जो होता है उसकी इंस्टॉलेशन आती है। जैसे ये बल्ब है हेलोजन, इस तरीके का ये एक बल्ब होता है, वो इसमें कंपनी की तरफ से फिटमेंट आती है जो प्रोजेक्टर में आती है। और ये लो बीम होता है प्रोजेक्टर, जब हाई और लो अलग अलग होंगे तो प्रोजेक्टर उस लाइट में होगा तो वो लो बीम ही होगा, हाई बीम में प्रोजेक्टर नहीं होता है, उसके लिए अलग से रिफ्लेक्टर लगा के देती है कंपनी।
ये जो प्रोजेक्टर होता है इसमें हेलोजन बल्ब आता है और ये लेंस के पीछे होता है। तो कई बार अधिकतर गाड़ियाँ जैसे कि आप इको स्पोर्ट ले लो, उसमें हाई लो अलग अलग आते हैं, तो उसके प्रोजेक्टर में HID कंपनी से फिटमेंट आती है। जो इसका प्रोजेक्टर होता है उसमें HID कंपनी से ही फिटमेंट आती है। और HID एक्चुअल में क्या होता है कि HID का जो रोशनी होती है वो हीटिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको प्रोजेक्टर में इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है। कि कई बार क्या होता है कि जो मैंने देखा है, मैंने अपनी गाड़ी में HID यूज़ की है रिफ्लेक्टर में, जैसे ये वाला रिफ्लेक्टर है इसमें मैंने यूज़ किया, तो आप देख रहे होंगे क्रोम का रिफ्लेक्टर दिख रहा है, हीटिंग की वजह से ये पीलापन आ जाता है इस पर। और ये कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि इसकी धीरे धीरे फिर रिफ्लेक्टर की जो रोशनी फेंकने की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो इसको इसलिए HID को प्रोजेक्टर पे इंस्टॉल किया जाता है कि जिससे कि जो लेंस है, जो ये लेंस होता है, लेंस से कोई फ़र्क ना पड़े और लेंस पे भी कोई फ़र्क HID से नहीं पड़ता। तो वो कंपनी भी जैसे टोयोटा इनोवा हो गई, उसमें आप देखेंगे तो कंपनी से HID उसमें इंस्टॉल आती है प्रोजेक्टर में, और इको स्पोर्ट हो गई उसमें कंपनी से HID इंस्टॉल आती है, और आपका एंडीवर हो गई उसमें भी HID कंपनी से इंस्टॉल आती है। तो ये प्रोजेक्टर में HID इंस्टॉल आती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं LED की बात पर। LED की मैं आपको बता दूं, LED हम रिफ्लेक्टर में इसलिए ही ज़्यादा लगाते हैं। ये रिफ्लेक्टर है, आप देख रहे होंगे क्रोम का जो आपको दिख रहा होगा अंदर, ये रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर में हम क्यों यूज़ करते हैं LED, क्योंकि जो ये LED होती है ये सॉफ्ट, बहुत अच्छी सॉफ्ट लाइट होती है। आप देख पा रहे होंगे ये LED है, ये इसकी बहुत सॉफ्ट लाइट होती है। और इसमें देखेंगे आप, ये कूलिंग फैन होता है, वो इसलिए होता है कि इसकी जो ये बॉडी होती है इसको कूल कर सके, इसकी जो ये बॉडी है इसको प्रॉपर वे में कूल कर सके, इसके लिए ये होता है। तो इसकी जो सॉफ्ट रोशनी होती है तो इसकी वजह से ये हीटिंग काफ़ी कम हो लेती है, और रिफ्लेक्टर मतलब काफ़ी टाइम तक लंबा चलता है, मतलब ख़राब नहीं होता और ना उसमें कोई परेशानी आती है। अब हम आ जाते हैं कि HID में क्या दिक्कत आती है। आप देख पा रहे होंगे ये HID का बल्ब है, और इसमें एक छोटा सा एक आप बीच में एक गुब्बारा से देख पा रहे होंगे बल्ब के बीच में, तो ये जो होता है ये एक इसमें गैस होती है जिसकी वजह से ये मतलब धीरे धीरे गर्म होने के बाद रोशनी को फैलाता है। तो ये जो होता है इसकी हीटिंग पावर काफ़ी होती है, तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि रिफ्लेक्टर कुछ टाइम बाद अपनी रोशनी कम कर देता है और उसकी हाई बीम जो है वो कम दिखने लगती है। तो इस वजह से मैं पर्सनली अगर यूज़ करूँ तो मैं कभी भी रिफ्लेक्टर में इसको, मैं HID को नहीं यूज़ करता। तो मैंने भी अपनी गाड़ी में, मैं आपको फिर तो दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार ले जाके, ये आप देखेंगे ये मैंने LED लगाई हुई है, ये आप देख रहे होंगे ये मैंने LED लगा रखी है, और प्रोजेक्टर में जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है वो HID यूज़ कर रखी है। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन मैं नाइट विज़न में भी आपको दिखा दूंगा। पहले मैं प्रोजेक्टर ऑन करूंगा, उसके बाद फॉग लैंप ऑन करूंगा, फिर हाई बीम का आपको दिखाऊंगा कि हाई बीम किस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी में भी इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, या हमसे इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, या किसी और भी कंपनी से या किसी और शॉप से करा रहे हैं, तो आप इंस्टॉलेशन जो कराएं, प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर में आप HID का ऑप्शन आपके पास है, HID आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में LED भी काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी अच्छी वोल्टेज में आने लगी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर को आपको लगता है कि नहीं, मेरी गाड़ी की रोशनी अब भी कम है लो बीम में, तो आप HID आपके पास ऑप्शन बचता है। और आजकल इन हैलोजन बल्ब्स का ज़माना जा चुका है, क्योंकि आप खुद ही देखते होंगे काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कंपनी से अब इंस्टॉलेशन है LED HID की आ रही है, अपग्रेडेशन गाड़ियों को कर दिया गया है, अब खुद ही कंपनियां LED इंस्टॉल करके दे रही हैं। वो रिफ्लेक्टर में जो LED लगा के देती हैं उसमें प्रोजेक्टर नहीं होता है। आप देखेंगे किसी भी गाड़ी में, जैसे मैं किया सेल्टोस ले लूँ, उसका टॉप वर्जन जो आता है उसमें आप देखेंगे रिफ्लेक्टर के ऊपर ही LED इंस्टॉल होती है। क्रेटा को आप ले लो, क्रेटा का जो टॉप वर्जन है आज की डेट में, जो 2020 क्रेटा आ रही है, उसकी भी आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर के ऊपर ही LED है। और LED जो होती है वो एक सॉफ्ट लाइट होती है, लेकिन रोशनी बहुत अच्छी होती है उसकी। कंपैरिजन करें कि HID में और
एलईडी में कैसी रोशनी होती होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी की रोशनी एचआईडी के मुकाबले थोड़ा 20-25% कम होती है, लेकिन जो एचआईडी की रोशनी होती है वो ज़्यादा होती है। एचआईडी की रोशनी ज़्यादा होती है, लेकिन उसको आप प्रोजेक्टर में ही यूज़ करें। मैं तो सलाह यह दूंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। आप लगाने के लिए, बहुत से लोग एक एच फोर साइज आता है, जैसे ये एच फोर साइज है, हाई लो बीम, या आप देख पा रहे होंगे ये हाई लो बीम साइज है, तो बहुत से लोग उस एचआईडी को अपने एच फोर साइज को एचआईडी को लगवा लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो कहने लगते हैं हमारी लाइट का पीलापन आ गया। और एक्चुअल में होता क्या है कि उसका जो क्रोम होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन की जो एक पावर होती है, वो धीरे धीरे हीटिंग पावर की वजह से कम हो जाती है। तो लोग कहते नहीं जी अब एचआईडी ख़राब हो गई, एक्चुअल क्या है, एचआईडी की रोशनी कम नहीं होती, वो रिफ्लेक्टर की रोशनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो मैं अपना जो सजेशन दूंगा वो यही दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी में हाई लो बीम में प्रोजेक्टर है, तो लो बीम में आप प्रोजेक्टर में एचआईडी इंस्टॉल करवाएं, और बाकी आप एलईडी, बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में, अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और एलईडी आप उसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। और हाई बीम में आप एलईडी लीजिए, और लो बीम में आपका एचआईडी बहुत अच्छी काम करेगी। तो मैं इसी एडवाइस के लिए आज ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जी ये प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर में, जो हाई बीम का रिफ्लेक्टर होता है, वो कंपनी उसमें भी प्रोजेक्टर क्यों नहीं देती। तो इसलिए मैंने इस वीडियो का आज बनाया। तो वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और रात का जो वीडियो है, कैसा इसका परफॉर्मेंस आता है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, पहले मैं लो बीम प्रोजेक्टर ऑन करूँगा, उसके बाद फॉग लैंप ऑन करूँगा। फॉग लैंप की बात करें तो फॉग लैंप में भी मैंने एलईडी यूज़ कर रखी है, आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने एलईडी यूज़ कर रखी है, क्योंकि फॉग लैंप बहुत छोटा सा एक साइज होता है फॉग लैंप का, और इसमें भी रिफ्लेक्टर ही होता है, पीछे क्रोम कलर का रिफ्लेक्टर होता है। तो कई बार एचआईडी इसमें भी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, मेरी ये भी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि जो हमारी ये फॉग लैंप है, इसमें हमें एचआईडी नहीं यूज़ करनी चाहिए, इसमें भी हमें एलईडी यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आगे शेयर करें वीडियो को, जिससे अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको भी टाइम टाइम पर मिलती रहें, और आपके सर्कल और ग्रुप में भी आपको समय समय पर हमें इस तरह की एडवाइस और मॉडिफिकेशन जो गाड़ियों में हम नई नई करते रहते हैं, वो आपके तरफ लाते रहें। और नए अब आगे वीडियो में मिलते हैं नाइट के विज़न में कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। पहले मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहले मैं लो बीम ऑन करूँगा, फिर उसके बाद फॉग लैम्प, और उसके बाद हाई बीम। तो कैसा विज़न आता है, कैसी परफॉर्मेंस आती है नाइट की, वो आप वीडियो में आगे देखिएगा। इसी तरीके से अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को अपना प्यार देते रहें।